ये आ रहे हैं हमारे विनीत भाई, तुम्हें ये रोड ही नहीं पता, बताओ यार हद है। तो गाइस यार देख सकते हो कितना ही खराब रास्ता है भाई, और अब भगा के देखते हैं। ये देखो पटाखे भाई, पर यार मेरे को भी थोड़ा लग रहा है भाई चलान ना हो, वैसे मेरे को भी उसी का डर है। कोई जानवर आके तो भयंकर बनता, भाग भी नहीं सकता। अबे बेको तूने मुझे उल्टा चक्कर का डर, मैं वहां से आगे गया पूरा अंदर गलियों में घूम करके फिर वापस आया इस रास्ते। पहुंच चुके हैं रायवाला, तो अभी मैं विनीत भाई का वेट कर रहा हूं, बस वो आधे ही होंगे तो उनसे ले लेते हैं माउंट। तो गाइस ये रहा अपना जेक एंड एग्जॉस्ट भी अपना लग चुका है, तो भाई आज पूरा फुल थ्रॉटल खोलते हुए जाएंगे। ये आ रहे हैं हमारे विनीत भाई, तुम्हें ये रोड ही नहीं पता, बताओ यार हद है। और क्या हाल है भाई? कौन से हाल है? नहीं मेरे साथ नहीं है। अच्छा ये तो बहुत बड़ा यार तुम्हारा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और गाड़ी कैसे लग रही है? एग्जॉस्ट देखा, मतलब ये लगा ले कि थोड़ा छोड़ते ही बैक फायर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पर यार मेरे को भी थोड़ा लग रहा है भाई चलान ना हो, वैसे मेरे को भी उसी का डर है। बस हवा निकल गई। तो बस फाइनली अभी हम आ चुके अपने मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे, एंड अब आप जेक का साउंड सुनो भाई, रिएक्शन भी इतने तगड़े मिल रहे ना भाई, बंदे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। आई होप आपको कैमरा एंगल सही आ रहा हो, क्योंकि भाई यार इनका जो माउंट है ना यार वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो उस वजह से कहीं एंगल खराब ना आ रहा हो। तो गाइस यहाँ से हम अपना रूट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो रूट जाएगा वो सीधा हरिद्वार जाएगा, मतलब आगे रुड़की दिल्ली के लिए, और यहाँ से हम चले जाएंगे भाई कोटद्वार लेफ्ट को। अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार क्रॉस करके, एंड अभी मैं आ चुका हूँ नजीबाबाद हाईवे पे, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे रुका हूँ हरिद्वार से लगभग 5-10 किलोमीटर आगे, तो अभी निकलते हैं। चेक अपना वहाँ खड़ा है, तो थोड़ा सा रुका था मैं, एंड स्टिंग वगैरह भी यहाँ पर, तो अब जाकर एनर्जी आ चुकी है, तो फटाफट से निकलते फुल पावर। तो गाइस यार यहाँ की रोड जो है ना भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आप देख सकते हो क्या कंडीशन हो रही है, अभी बन रही है, बट ये यार ये चीज़ गलत है यार, ऐसे में ना हाईवे में एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं भाई, क्योंकि ना इन्होंने रूट डाइवर्ट करा हुआ इसी रोड पे, तो कई बार ओवर स्पीडिंग में या मतलब बंदा आ रहा हो ना तेजी में तो वो ध्यान ही दे पाता, और कभी कभार एक्सीडेंट हो जाते, तो यार केयरफुली चलना चाहिए ऐसी रोड पर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई जेक में एग्जॉस्ट डालने के बाद, भाई जो पटाखे छोड़ रही है ना भाई, लिटरली भाई पूरा मज़ा आ रहा है भाई, कसम से उसने तगड़े पटाखे फोड़ रही है भाई साहब, मज़ा आ जा रहा है पूरा। ये देखो 6-7 हज़ार RPM पे कैसी वीवी ऑन हो रहा है, देखो पटाखे, ये देखो जैसी वीवी ऑन हो रहा है भाई पट 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 पटाखे छोड़ रही है, मतलब फुल पावरफुल मज़ा आ रहा है। और भाई कोटद्वार में तो रौला मचा देंगे। ओह भाई साहब 10 hour की तरह, ओह भाई क्या पटाखे फोड़ रही है भाई, पता नहीं आपको साउंड आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा भाई, पर बहुत भयंकर साउंड कर रही है, मतलब रिएक्शन इतने तगड़े मिल रहे ना भाई। पर यहाँ का रूट बहुत ज्यादा खराब है भाई, अभी पता ही क्या हुआ, अभी मैं एक कार के पीछे चल रहा था, मैंने भगा के लिए मैं ओवरटेक मारने का हुआ भाई, वैसे ही रोड ऐसे डाउन नीचे को, और आगे बजरी भाई, वो तो ABS ने बचा लिया वरना बहुत गंदा सीन होता। लाल ढंग की रोड है, वो कौन सी है? तो इस रोड से जाऊँ कि इस रोड से ही? हाँ इसी रोड पे निकल जाऊँ, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद भैया। तो भाई पहले टर्न जो था वो नहीं लेना है आपको, आपको लेना है सेकंड टर्न, और अब भगा के देखते हैं। ये देखो पटाखे भाई, हाय हाय परफेक्ट है, बट मेरे को पता है यार इस वाले वाइजर के साथ ना यही प्रॉब्लम है, आपको व्यू ही नहीं दिख रहा होगा, मुझे ये चीज़ खुद नहीं पसंद, बट मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मैंने जो मास्क लगाया ना यार, जो ट्रांसपेरेंट वाइजर था ना उसमें शूट नहीं कर रहा था यार ये ना, तो इस रीज़न से मेरे को लगाना पड़ा है, बट मैं निकाल दूंगा साला, देखी जाएगी भयंकर अच्छी लगे ना लगे। मैं नहीं चाहता भाई आपको औरों की तरह यही शिकायत होगी भयंकर आगे दिख ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छी लगती अपनी वीडियो, जब मैं देखता हूँ ना भाई मतलब आगे से पूरा स्पीडोमीटर ही दिखता है, बस आगे कुछ व्यू नहीं दिखता, ऐसे भगाने का फायदा क्या है यार, मतलब आगे से हटाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो मजा आएगा देखने वाले बंदे को, तो ये मैं चेंज कर दूंगा भाई। इधर की रोड बड़ी ख़राब है भाई, आग बंद करके तो कभी मत भगाना है, यहाँ एक मिनट में हाईवे आ जा रहा है, एक मिनट में भयंकर ख़राब रोड आ जा रही। कोटद्वार साइड का ना कल्चर अभी भी थोड़ा वैसा है, मतलब वहाँ ना राइडिंग का इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, मेरे को अभी ने बताया तो अभी ने बोला कि इस साइड को आ थोड़ा सही रहेगा भयंकर, कि यहाँ वैसे भी कोई करता नहीं है, मैंने कहा चल ठीक है यार घूमना भी हो जाएगा अपना ब्लॉग भी बन जाएगा। अब मैंने एक बार सोच लिया जो मैं ब्लॉग्स करूँगा ना भाई ये मैं अपनी मेमोरीज के लिए करूँगा, अब मुझे मतलब नहीं कि यूट्यूब पे रीच आ रही कि नहीं आ रही, भाड़ में जाए मेरी तरफ से, अच्छे लगे तो देखना नहीं अच्छे लगे तो मत देखना, बट मैंने सोच लिया भाई कि अब सिर्फ ब्लॉग में अपने
मैं हम रोज के लिए इकट्ठे करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा भाई वहाँ के ब्लॉग बनाऊँगा। अब आ रहे पूरे फुल नेटवर्क ही देखो भाई, हमें जा रहे कोटद्वार, तो कोटद्वार जा रहे भाई हमने 40 यहाँ से कितना दिखा रहा है भाई 36 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा हमें 36 और 44 भाई 8 किलोमीटर का अंतर है। छोड़ो यार इसी रास्ते चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। बड़ा हरामी हो। इंस्टा पे फॉलो नहीं करता, इंस्टा पे फॉलो कर लो भाई, क्योंकि अभी धबाधब स्टोरी लग रही है फटाफट से, तो भाई अभी जा करके फॉलो कर लो। सो गाइस वी आर एंटरिंग लालढांग रोड, तो भाई यहाँ से निकलेंगे हम सीधा शॉर्टकट सीधा है कोटद्वार, और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का अंतर है इस वाली रोड और उस वाली रोड में। ओ माय गॉड, ओ आप लोग सोच रहे होंगे, ओए हे, आप लोग सोच रहे होंगे इस एरिया में पहली बार ही आया होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। मतलब लास्ट टाइम तो मैं भर्ती देने आया था, उस टाइम भी मैं इसी रास्ते गया था, तो मेरे साथ करण भी था, और उस टाइम मैं अभी के घर ही रुका था, इसने मेरे को अपने घर बुला लिया था, तो तब से हमारी बॉन्डिंग बनी है अच्छी, काफ़ी अच्छी बातचीत भी है। तो और उससे पहले मैं छोटे में आया था यार यहाँ पर ना, लगभग 7-8 साल पहले, जब मैं 8th-9th में था, 9th में, हाँ, तो उस टाइम मेरे पापा की जॉब ना यहीं पर थी इसी एरिया में, तो भाई मैं यहाँ आया करता था यार, यहाँ पे आगे ATM भी सेट को स्टेट बैंक का। लास्ट टाइम तो बस मैं लगा लो 2 साल पहले आया था 2021 में, वो भी जनवरी के टाइम जब भर्ती थी हमारी। दुनिया बैंक करके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है और हम वहाँ ग्राउंड में बैठ करके भाई भर्ती दे रहे हैं, बताओ। तो 2 बार तुम्हारे भाई ने भर्ती दी बट नहीं निकल पाए, एक बार तो गिर गया था और दूसरी बारी रेस नहीं निकल पाई, क्योंकि बहुत टफ था पिछली बारी अग्निवीर में, तो हालत ही ख़राब हो गई थी, बट ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करी भाई, कोशिश पूरी करी भाई, उसमें ट्रायल दिया अपना बेस्ट दिया, बट नहीं हो पाया क्योंकि उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं थी यार, उतनी प्रैक्टिस वो नहीं थी, साफ बोलता भाई फेंकने की वो लंबी लंबी 3.5 चक्कर में मैं रुक गया था, तब तक वहाँ पर थर्ड ग्रुप जो था वो लास्ट ग्रुप हो गया था। ये वाली रोड भाई, इस वाली रोड में रहा था मैं 1.5 किलोमीटर रहा था, मुझे पता है अभी आगे स्टेट बैंक भी आएगा, ये देखो स्टेट बैंक, तुम्हारे भाई ने कहा था ना। फटाफट चलते हैं कोटद्वार पहुँचते भाई, क्योंकि आगे ना जंगल भी है, जंगल में ना फटती है भाई, क्योंकि ना बाघ वाघ मिल जाते हैं, तो अभी की बात है हमारे गांव में भाई बाघ आता है सहसपुर शंकरपुर में, भाई लगा लो 4 साल के बच्चे को उठा के लेके गया भाई, ऐसी हालत ख़राब हो गई थी ना भाई, 4 साल का बच्चा होता ही कितना यार। रिएक्शन देखो तगड़े रिएक्शन मिल रहे भाई, सोचो कोटद्वार में कैसे मिलेंगे भाई। तो गाइस यार देख सकते हो कितना ही खराब रास्ता है भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, एक तो ऑफ रोडिंग इतनी गंदी होगी ना भाई, जो रास्ता था वो पीछे कट हो गया, मेरा गोप्रो ना ऑफ हो गया था, मतलब ऐसा होता है ना कि गोप्रो कभी कभार ना बीच में ऑन नहीं होता, तो अभी मैंने उसको ऑन करा और भाई रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ रुकूँ और भयंकर की गोप्रो वगैरह सेट करूँ। इन लोकल वालों को तो ये किया इनका डेली का है, बट जो बंदा बाहर से आए तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाए भाई देख करके, वो जानवर आके तो भयंकर बंदा भाग भी नहीं सकता, फटाफट निकलते यार इस रास्ते। अबे बेवकूफ तूने मुझे उल्टा चक्कर काटा, मैं वहाँ से आगे गया पूरा अंदर गलियों में घूम करके फिर वापस आए इस रास्ते। तूने राइट बोला था साले, बढ़िया भाई इसने ऐसा हल्ले मचा रखे, मेरी मम्मी को गाली दे दी, तूने क्यों बुलाया भयंकर रात रात को। जो टॉर्च चला मैं इसका वो उतार दो यार, तू बैठेगा कैसे, तू यहाँ क्या करने आया था? अरे नहीं मेरा भाई आ रहा ना, बुआ का लड़का। हाँ तो वो एयरपोर्ट में, तो उसके गाड़ी नहीं है, मैंने तो अपनी बाइक दे दी थी ना। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार में हनुमान चौक, तो भाई का घर जो है ना वो कौन सा कॉलेज बताया था, वो पीजी कॉलेज। हाँ पीजी कॉलेज के पास है, तो हम वहीं जा रहे हैं, तो रास्ते से मैंने इसको पिक कर लिया था, और रास्ते भर में क्या ही दिखाना था क्योंकि पूरा अंधेरा ही हो रहा था, तो अभी सीधे चलते हैं घर की ओर और कुछ चुटर वुटर ले रहे, क्योंकि वैसे खाना बना रहे घर में, इसी चक्कर में मैंने बाहर से भी कुछ नहीं खाया है ना, बाहर से खाते थे खाने नहीं खाया जाता, टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है, तो कुछ चुटर वुटर ले रहे क्योंकि भाई हमारी बातें चलनी है, रात भर सोना है अभी, तो कहीं रुकते हैं अभी। थी तो हस्टिंग फाइनली पहुंच चुके हैं अभी हम, अभी भाई के घर, और बहुत ही बेकार हालत हो चुकी है मेरी, तो अभी टाइम 8:45 हो रहा है और अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके, तो बैग बैग उतारते हैं फटाफट से, अभी मैं इसके फैमिली से भी नहीं मिला, तो आंटी के लोग से भी मिल लेते हैं, नमस्ते वगैरह कर लेंगे, बाकी चेंज वगैरह कर लेता हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, गर्मी लगी है भाई, मतलब गर्मियों के दिनों में ना जैकेट को पहनना ना भाई महाभारत है, अंदर ऐसी आग लग रही है ना भाई क्या बताऊँ, तो फटाफट से चेंज करते हैं और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। बस फाइनली अभी खाना वाना सबको आ चुका है, तो अब डिनर वगैरह करते हैं, तो भाई ये रहा अभी, और बहुत कैमरा चाहिए ये, बिल्कुल भी व्लॉग में आता नहीं है, हाँ बस फॉलो करो खाना खा ले। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर आंटी जी ने बनाई है बहुत ही अच्छी, क्या बोलते हैं सिमई ना, हाँ सिमई, और ये रहा पनीर, बाकी ये रहा रोटी और सैलेड। तो भाई अब डिनर वगैरह करते हैं, तो भाई अभी हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया और अभी हम जा रहे छत में, ये रहा अभी छत में चलते हैं यार, ऐसा ये बेटे यहाँ बाघ वाघ तो नहीं आता तुम्हारे, तो वैसे भी जंगल जंगल का एरिया है, झूठ बोल रहा है, काफ़ी सही है इधर, गर्मी है भाई बिल्कुल भी इधर,
ठंडा एकदम, जैसे कि इसमें गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी खाना वाना खा लिया, रहेंगे ऊपर ऊपर छका दिया इसने, बाकी लाड़ का भी छोटे छोटे सामान वो भी खाएंगे रात को मजे से, क्यों वो रात को खाएंगे, रात का भी भाई हमने गेटअप रखा है। भाई के चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत करता है भाई अपना भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। ठीक है समझ गया,